Welcome back to the Entrant, where we just don't make you learn, we make you learn better. So in this video, we'll talk about the case of Lily Thomas versus UOI. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. This case mein kya hota hai, jo petitioner hoti hai aur unke husband ki as per Hindu law shaadi hoti hai. But wahin kuch 18 mahine baad unke husband unse kehte hain ki mujhe divorce chahiye. और जब पेटिशनर इस बात के लिए मना करती हैं तो उनके हस्बैंड जाके अपना कास्ट चेंज करा लेते हैं हिंदू से मुस्लिम और वो जाके दूसरी शादी कर लेते हैं और वो दूसरी शादी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हिंदू लॉ में तो बाइगेमी इज अ क्राइम बट एज पर मुस्लिम लॉ आप 4 शादी तक कर सकते हैं और फिर वहीं पेटिशनर अपना केस लेके कोर्ट आ जाते हैं और वो ये कहती हैं कि जो सेकेंड मैरिज है मेरे हस्बैंड की वो वॉइड है क्योंकि एज पर हिंदू लॉ तो ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो आपको 2 शादी करने के लिए अलाउड करता है और अगर इस चीज पर कोई भी लॉ नहीं है तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए जो ऐसे केसेस को आराम से ले पाए जिसकी ज्यूरिस्डिक्शन में ये सारे केसेस हों और इस केस में सिर्फ पेटिशनर ही नहीं थी उनके साथ भी साथ बहुत सारे केसेस थे जिसमें सेम यही फैक्ट थे कि पहले वो हिंदू बनकर शादी करते हैं उसके बाद अपनी कास्ट चेंज करके दूसरी शादी कर लेते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये कहता है कि मैरिज कैन नॉट बी डन आफ्टर कन्वर्जन इफ देयर इज अ मैरिज बिफोर कन्वर्जन जिसका मतलब कि अगर आपकी शादी एज ए हिंदू हुई है तो आप एज अ मुस्लिम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी पहली वाली शादी लीगली खत्म नहीं हो जाती है और ये चीज एक प्रैक्टिस बन गई है जिसकी वजह से हिंदू वुमेन्स की लाइफ बर्बाद हो रही है और सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये भी देखता है कि जो पेटिशनर के हस्बैंड थे उनके सारे डॉक्यूमेंट में उनके बैंक डॉक्यूमेंट उनका डीएल उन सब के अकॉर्डिंग वो अभी भी एक हिंदू थे जिससे ये साबित हो जाता है कि जो पेटिशनर के हस्बैंड थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए ही अपनी कास्ट चेंज कराई है जो कि लीगली वैलिड नहीं ठहराई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सारा मुगदुल वर्सेस यूओआई के केस को अपहेल करते हुए कहा कि इस केस की सारी गाइडलाइंस इस केस में भी फॉलो होंगी और अगर आपको सारा मुद्दल वाला केस चेक करना है तो प्लीज यहां क्लिक करिए तो इस केस में बस इतना ही आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो